कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। सर्राफ सुनील कुमार वर्मा के कर्मचारी से 13.5 लाख रुपए का बैग छीनने वाले दो अन्य बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस लूट की पूरी कार्य योजना सर्राफ के मोसेरे भाई ने बनाई थी। मोसेरे भाई शास्त्री नगर एल ब्लॉक निवासी अनिल वर्मा व रोहित यादव को भी आज गिरफ्तार कर मीडिया के समक्ष पेश किया गया। 19 अगस्त की शाम मेरठ सर्राफा बाजार स्थित नंदराम चौक के पास लूट की इस घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना में पुलिस अम्बाला निवासी राहुल वैद्य व राजा को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है। घटना में शामिल पांचवा बदमाश बंटी पारचा घटना को अंजाम देने में CCTV में कैद होने के बाद खुद ही पुराने मामले में जेल चला गया है। आज SP City पीयूष सिंह ने मीडिया को यह जानकारी दी। 19 तारीख को इसी महीने के 19 तारीख को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सर्राफा के पास एक सर्राफा व्यवसायी के साथ उसके घर के पास तीन व्यक्तियों के द्वारा 13.5 लाख की लूट की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस टीमों के द्वारा लगातार इसमें एफर्ट करके घटना में शामिल रहे दो अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था, जिनके पास से 5,85,000 रुपये हम लोग बरामद कर चुके थे। इस घटना में अन्य अभियुक्त रोहित यादव और एक अनिल वर्मा नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से लूटे हुए 4.25 लाख रुपये भी बरामद हुए हैं। साथ ही घटना में प्रयुक्त पिस्टल को भी बरामद किया गया है। इस प्रकार इस प्रकरण में अब तक 10 लाख से अधिक की हम लोग रिकवरी कर चुके हैं। यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि जो अनिल वर्मा इस प्रकरण में गिरफ्तार हुआ है, ये वादी मुकदमा की सगी मौसी का लड़का है। ये और मुख्य अभियुक्त रोहित दोनों के पिता जो हैं पहले ऑटो रिक्शा चलाते थे, जिसके कारण इन दोनों की दोस्ती हुई। और अनिल वर्मा जो है पूर्व में सर्राफा मार्केट में काम करता था, इसके द्वारा जो है ये सूचना रोहित यादव को दी गई थी और रोहित यादव के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम की प्लानिंग की गई थी। इसमें एक राहुल वैद्य, बंटी पारचा, राजा जो इसके पूर्व के सहयोगी रहे हैं, इन सभी को शामिल किया गया था। इसमें अब तक कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक अभियुक्त बंटी पारचा, ये घटना के अनावरण के पूर्व ही कुछ फोटो समाचार पत्रों में आ जाने के कारण इसने पुराने मुकदमे में ही सरेंडर कर दिया गया था। इसको नियमानुसार हम PCR पर लेकर आगे की विधिक कार्रवाई भी करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट।